मोमेंटम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन काफी बार आया है, काफी बार हम लोग किए हैं, ठीक है। दो मास है M1 एंड M2, M1 जो है वो 1 ग्राम का है और M2 जो है वो है 9 ग्राम का। तो ये दोनों है मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, इन सबको ई मान लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, चलो ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू 2m और ये काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास अंडर रूट, तो देयर मैग्नीट्यूड मोमेंटम m1 अपॉन f2 इज इक्वल टू m1 p1 अपॉन p2 m2 अपॉन m1 अंडर रूट। और पहले वाले के मास 1 ग्राम है, दूसरे वाले का मास 9 ग्राम है, तो 1:3 दैट इज द मोमेंटम का रेशियो जाएगा, 1:3 इज द मोमेंटम का रेशियो, ठीक है, क्लियर है।